नोएडा से फरीदाबाद को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य एक बार फिर तय समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। इस पुल का निर्माण फरवरी तक पूरा करने का दावा किया गया था, हालांकि इस साल हुई अधिक बारिश के कारण यह डेडलाइन मिस होना तय माना जा रहा है। अब अप्रैल के आसपास काम पूरा होने की उम्मीद है। यमुना का जल स्तर अधिक है, जिस कारण पिलर के ऊपर गर्डर रखने का काम भी नहीं हो पा रहा है। फरीदाबाद में इस साल 600 mm से अधिक बारिश हुई है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है, जिससे यमुना में जल स्तर अभी तक बढ़ा हुआ है। इसका असर मंझावली पुल परियोजना पर पड़ रहा है। PWD AXN प्रदीप सिंधु ने बताया कि यमुना के बड़े जल स्तर के कारण काम नहीं हो पा रहा है, काम पूरा होने में और अधिक समय लग सकता है। फिलहाल नोएडा व ग्रेटर नोएडा जाने के लिए अभी लोगों को करंदी कुंज की तरफ से घूमकर जाना पड़ता है, इसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। पुल बनने व सड़क परियोजना पूरी होने के बाद फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा के बीच दूरी लगभग 15 मिनट की रह जाएगी। परियोजना पर एक नज़र, 24 किलोमीटर लंबी परियोजना पर काम हो रहा है। फरीदाबाद से नोएडा की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 20 किलोमीटर लंबी सड़क फरीदाबाद शहर में और 4 किलोमीटर सड़क यूपी में बनाई जानी है। 15 अगस्त 2014 को केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4-लेन पुल की आधारशिला रखी थी। 122 करोड़ रुपए की लागत से मंझावली में यमुना नदी पर निर्माण कार्य 2018 में शुरू कर दिया गया था। पुल को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए मंझावली से खेड़ी पुल की तरफ आने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 10 मीटर की जानी है। 25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। मंझावली व चिरसी में बाईपास सड़क बनाई जाएगी। सरकार से अधिग्रहण को मंजूरी मिलने के साथ ही जमीन के रेट तय है। किसानों से सहमति ली जा रही है, अधिकतर किसानों ने सहमति दे दी है। AXN ने बताया कि प्रयास है कि दिवाली के बाद किसानों को पैसे देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसके बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।